चंद्रयान दो जिस समय विफल हुआ था तो उस समय हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी ये कहते थे यह क्या हुआ है, तरह तरह की बातें किया करते थे। लेकिन उस संकट की घड़ी में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिकों से जाकर उन्हें गले लगाकर उनकी हौसला अफजाई की थी और आपने देखा कि इस बार चंद्रयान 3 पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में यह कामयाब हुआ है। भारत चांद पर तो पहुंच गया है मेरे बहनों भाइयों, और 15,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान सूर्यान 11 अब वह भी सूर्य के नजदीक पहुंचना चाहता है। वैसे हम सूर्य से अभी काफी दूर हैं। कांग्रेस दबी जुबान से इस पर भी सवाल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह देश का मूड देखती है, आप जैसे लोगों का मूड देखती है, तो वह चुप्पी साध लेती है। मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान चंद्रयान सूर्यान की सफलता की लॉन्चिंग भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई, परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। और दुनिया को आश्चर्य है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से कम बजट में भारत ने मंगलयान तैयार कर लिया, चंद्रयान मिशन को पूरा कर लिया, सूर्यान मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहनों भाइयों, आप सबके कारण यह नए भारत की आवाज है, यह नए भारत की ताकत है जो कहती है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान और हमारा भारत महान। क्या आपने कांग्रेस की हुकूमत भी पिछले 5 वर्षों से लगातार देख रहे हैं और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहां हुकूमत वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी आपने काम करते हुए देखा है, और उस समय कैसा माहौल था और आज कैसा माहौल है, आप स्वयं मैं समझता हूं कि इसका आकलन कर सकते हैं। और आपको यह फैसला लेना होगा कि हमें क्या करना है इस राजस्थान के इस बार के आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में। लेकिन कांग्रेस कैसे सरकार चलाती है उसके बारे में एक नजीर आपको मैं देना चाहता हूं। जब हम लोगों की 2014 में सरकार बनी तब भी 18,000 गांव ऐसे हिंदुस्तान में थे जहां तक कि बिजली नहीं पहुंच पाई। पहली बार साल डेढ़ साल के अंदर 18 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाई, आप सबका जनधन खाता खुला हुआ है। पहले कोई भी सहायता गवर्नमेंट के द्वारा आती थी तो आप सबको जानकारी है 2/3, 1/3, 1/2 सब भ्रष्टाचार की भेंट को चढ़ जाता था। लेकिन मोदी जी ने यह फैसला किया कि हर नागरिक का जनधन खाता खुलना चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत और साथ ही अन्य जो हमारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी आपको पैसा आता होगा, आपके खाते में आता होगा, तो दिल्ली के बैंक से निकलकर जितना पैसा चलता है आपके लिए उतना पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता होगा। बहनों भाइयों, इस प्रकार का सिस्टम में बदलाव लाने का काम पहली बार इस आजाद भारत में यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लाइन ऑर्डर के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार में जाकर आपसे चर्चा की है। मैं लोगों से पूछ रहा था भाई राजस्थान जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे इतनी बदतर हो सकती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। लोगों ने मुझे कई घटनाओं की जो चर्चा की सचमुच मेरे कान खड़े हो गए। 56 महीने में 10,00,000 से अधिक मुकदमे हो चुके हैं दर्ज और उसमें से 7,650 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है इस कांग्रेस की हुकूमत में राजस्थान में। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। 2,00,000 से अधिक मुकदमे दर्ज जिसमें 31,000 मुकदमे केवल महिला दुष्कर्म के छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के हुए। मेरे बहनों भाइयों, राजस्थान की स्वाभिमानी जनता इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मैं सारे आंकड़े देख रहा था, जोधपुर में पूरे परिवार की जिस तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई है उसकी जानकारी आप सबको है, उदयपुर में जो कुछ भी हुआ है। और आप जानते हैं किसी राज्य का यदि हम विकास करना चाहते हैं तो विकास की पहली शर्त होती है कि कानून और व्यवस्था यह चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए।
नहीं तो यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है तो मेरे बहनों भाइयों किसी भी सूरत में उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। और मैं तो एक आंकड़ा देख रहा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और मैं नौजवानों से कहूंगा इसे आप नोट कर लीजिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में पिछले वर्षों से नंबर एक पर पहुंच गया है। यही स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान की कांग्रेस ने बना दी है, गहलोत जी की सरकार ने बना दी है, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बहनों भाइयों इसके बारे में फैसला आप सबको करना। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, क्या हो रहा है राजस्थान में। और मैं कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों हालात यहां की सरकार की यह है कि मुख्यमंत्री जिस ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं इस गाड़ी का क्लच कोई और दबा रहा है और एक्सेलरेटर कोई और दबा रहा है। यह हालत हो गई है, क्या हो गया है राजस्थान को, यहां पर हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के नाम पर बांटकर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह है जो राजस्थान का विकास होना चाहिए था और विकास के नाम पर कांग्रेस की हुकूमत को वोट मांगना चाहिए था और विकास के नाम पर वोट मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, इसीलिए हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा इस आधार पर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे